Hello everyone, welcome to Manuver podcast session Talk with Topper Show. And today in this podcast, we have Anupama, she's a MCA aspirant. And in this podcast, we will discuss a lots of things related to the exam strategy, exam preparations. So first of all, Anupama, welcome to this podcast session. Thank you. So Anupama, first we want to know about your educational background and you are from? I'm from Mumbai. And I've done BSc IT. Okay. Then एक 1 year का gap लेना पड़ा मुझे CET के लिए. Okay. कि हाँ, क्योंकि पिछले बार मैं CET का form आया था, लेकिन फिर उसका date चला गया था, इसलिए मैं कर नहीं पाई वो. Okay, And so then 1 year, हाँ, about एक your year का gap लेना पड़ा. about your schooling basically 10th 12th. Schooling. I done schooling from National High School, Okay. State Board, and 12th from RJ College. Okay. So basically this year you appeared the MCA CET exam. So your score is 98.90 percentile. So first I want to know why you want to do MCA. बिकॉज बी एस सी आई टी हमारा 2 year था, वो कोविड में चला गया था, तो ऑनलाइन सेशन हो गया था सब. और ऑनलाइन सेशन होने के बाद उतना ये मिलता नहीं है, स्किल्स वगैरह डेवलप करने नहीं मिलता है अच्छे से. तो मैं सब टीचर्स भी सजेस्ट कर रहे थे कि मास्टर्स कर लो, देन एमसीए या एमएससी करना था. तो सब बोले थे एमसीए टॉप कॉलेजेस में से करोगे तो अच्छा रहेगा, तो उससे. ओके. सो बेसिकली इन फ्यूचर व्हाट इज योर फ्यूचर गोल, किस फील्ड में जाना है? डेवलपमेंट है, मोबाइल डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट है, डेटाबेस है, एंड बेसिकली कुछ सोचा है? हाँ, थोड़ा सोचा है डेटाबेस फील्ड में जाना है. देन आगे देखेंगे, आगे स्विच वगैरह का सब, मशीन लर्निंग लाइक. राइट, मशीन लर्निंग, एआई, सो दिस विल बी द फ्यूचर इन आर्टिफिशियल बेसिकली. सो नाउ कमिंग टू द एग्जाम पार्ट, सो एमसीए सीईटी एग्जाम में बेसिकली योर स्कोर इज दिस. सो व्हेन यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर दिस एमसीए सीईटी एग्जाम? एक्चुअली मैं नीम सेट का प्रिपेयर कर रही थी. देन बोलते हैं नीम सेट का करेंगे तो सीटी निकल जाएगा, तो इसलिए नीम सेट फोकस करके कर रही थी. तो उतने में सीटी का भी दे दी. और 1-2 months पहले मैं सीटी में फोकस करने लगी, तो सीटी भी अच्छा चला गया और सीटी में मार्क्स अच्छे आ गए. ओके. और बाय द वे, निम सीडी का प्रिपरेशन कब से कर रहे थे आप साथ में दोनों? हाँ, 1 year. इसके पिछले साल जब मैंने दी थी नीम सेट का, तो उसमें अच्छा मार्क्स नहीं था उसमें, तो मैं वैसे ही दे दी थी, इतना प्रिपेयर नहीं की थी. तो ये 1 year का गैप नीम सेट के लिए लिया था और सीटी भी ओके. दे दिया. तो इन द सेम टाइम आप नीम सीडी के साथ साथ और एमसीए सीडी भी एग्जाम दिया, बट एक्चुअल प्रिपरेशंस यू स्टार्टेड फॉर द नीम सीईटी, और जिससे कि आपने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया. सो हाँ व्हाट इज एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आपने एमसीए सीडी को एग्जाम को अपियर किया, उसके डिफिकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड किया, सो व्हाट इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द एमसीए सीईटी एग्जाम? 3-4 months मे बी, अगर मैथ्स अच्छा है तो. नहीं है तो नहीं है तो 5-6 months उतने में मैथ्स बन जाता है इतना अच्छा. मतलब कम से कम 6, या फिर मैं और थोड़ा सा बेटर एंड सिक्योर बोलूँ तो 6 to 8 month अगर कोई पहले स्टार्ट करे, सो इजिली दे कैन कवर द ऑल द सिलेबस. हाँ सो मैथ के लिए व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी, बिकॉज एमसीए एंट्रेंस के लिए मैथ का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, एज वेल एज स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फियर भी होता है एडवांस मैथ से. तो आपका क्या स्ट्रेटजी था प्रिपरेशंस का मैथ को लेकर के? मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए और सिंपल, जो सिंपल टॉपिक लगता है उससे स्टार्ट करना चाहिए. सो बेसिकली नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि एक डेली बेसिस पे क्या शेड्यूल होना चाहिए प्रिपरेशंस के लिए, कितना आवर डिवोट करना चाहिए, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरी होते हैं. सो दे वांट टू अंडरस्टैंड कि टॉपर की स्ट्रैटेजी क्या थी. तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी बेसिकली डेली ऑन अ डेली बेसिस, एंड कितना आवर्स आप डिवोट करते थे फॉर द प्रिपरेशन?
हाँ, तो मैं तो निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो उसके लिए मतलब हर रोज कुछ ना कुछ बनाती रहती थी कि एक दिन में ये करना है, एक दिन में ये करना है, तो चेंज होते रहते थे। और मैथ्स को ज्यादा टाइम देना, फिर लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ पे ज्यादा टाइम दे देते थे। हाँ कंप्यूटर इजी है। कंप्यूटर इजी है बिकॉज यू पीपल आर फ्रॉम द बैकग्राउंड, कंप्यूटर बैकग्राउंड, सो बीएससी हाँ, आईटी हो। कंप्यूटर बैकग्राउंड से। हाँ बट फिर भी इतना इजी नहीं होता है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग्स एंड अदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। इवन कन्वर्जन टाइप के भी क्वेश्चन में दे फील सम डिफिकल्टीज। सो ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सो मॉक टेस्ट कितने आपने अपीयर किए थे? मैं तो बहुत सारे किए थे, मैं याद नहीं। ठीक है ठीक है। एंड मैन्यूवर से कैसे आप कनेक्ट हुए? हाउ यू कम टू नो अबाउट द मैन्यूवर? मैन्यूवर से मतलब कैसे? यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के पता चला कि मैनोवर एमसीए के लिए, सीटी के लिए। तो मैन्यूवर के वीडियोस कितने हेल्पफुल थे? अच्छा, बस प्रीवियस ईयर का देखा था, एक महीना इस पहले प्रीवियस ईयर का मैं सब देख रही थी, सीटी का, तो वही सब देखा था। तो जो वीडियोस मैन्यूवर के जाते थे वो आप अपने, जैसे मेरे वीडियोस थे क्वेश्चंस वाले वो कंप्यूटर के, वो देखा था आपने? हाँ, प्रीवियस ईयर का जो था वो सब देखा था, तो उसमें और कुछ, कंप्यूटर्स के लिए। हाँ क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में कुछ रेलिवेंट? हाँ, अब उतना याद याद नहीं है। नहीं है। हाँ, ओके ओके ओके। सो जो एक्चुअल एग्जाम था उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या थी? इट मींस इजी था, मॉडरेट था, या बहुत डिफिकल्ट पेपर था? कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम था और सेंटर क्या था? फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, और सेंटर मेरा बोरीवली था, और मैथ्स मतलब सब में मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा, मैथ्स मॉडरेट था और लॉजिकल रीजनिंग सही था, ठीक था। बाकी ओवरऑल अगर पेपर को बोलना हो कि इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, सो व्हाट व्हाट एज पर यू? मॉडरेट, मॉडरेट था, मतलब इजी भी नहीं था बोल सकते, मॉडरेट लेवल के एग्जाम थे। राइट हाँ राइट। एंड अगर से कुछ थोड़ा सा जैसे स्पेसिफिक सेक्शन को बता पाओ, जैसे कंप्यूटर कितना था, मतलब कंप्यूटर के किस टाइप के क्वेश्चन कुछ रिमेम्बर है आपको? एंड रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन थे, इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन थे, पैसेज कितना था, फिलिंग द ब्लैंक्स, ग्रामर रूल, तो एनी एनी बेसिक आइडिया अबाउट इट? कंप्यूटर में कन्वर्शन वगैरह ये सब था ना, वो सब भी आया था, वो सब इजी है। और लॉजिकल रीजनिंग भी इजी था, मतलब जितना मैंने की थी उससे इजी था, और थोड़ा मैथ्स में प्रॉब्लम। राइट राइट राइट। सो बेसिकली प्रिपरेशंस के लिए क्या रिसोर्सेस यूज करते थे? मैंने मतलब प्रीवियस ईयर के लिए मैंने यूज की थी। ओके ओके ग्रेट। एंड इफ इफ यू हैव टू गिव द सजेशन टू द न्यू एस्पिरेंट जो नेक्स्ट ईयर के लिए अपीयर करे, तो उनके लिए एनी सजेशन फॉर प्रिपरेशन फॉर द एमसीएसईटी? हाँ, मतलब जितना पढ़ाई करो उतना 100% देके करो, और मोबाइल से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो। हाँ डिस्ट्रक्शन जो है काफी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, घर से प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है प्रिपरेशन में। और कितना टाइम पहले प्रिपरेशन कम से कम स्टार्ट कर देना चाहिए? 5 to 6 months। 5 to 6 month बिफोर अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करे तो इट्स बेटर। हाँ, एनी एनी फाइनल कमेंट फ्रॉम योर एंड अनुपमा फॉर द न्यू एस्पिरेंट? प्रिपेयर करो, मन लगा के प्रिपेयर करो। मन लगा के प्रिपेयर करो, हो जाएगा। हाँ चलो चलो ग्रेट। थैंक्स थैंक्स टू कमिंग हियर टू शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू विथ आवर व्यूवर्स, या फिर जो भी न्यू एस्पिरेंट है फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए। सो होप सो दिस पॉडकास्ट विल बी हेल्पफुल फॉर देम एंड दोज हु आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। सो इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि हमें नेक्स्ट टॉपर्स के साथ क्या डिस्कस करना है, सो यू कैन आस्क इन अ कमेंट। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट सेशन। थैंक यू एंड वंस अगेन थैंक्स थैंक्स अनुपमा टू कम हियर टू शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।